तो भाई लोग डीसी की नई मूवी फ्लैश जो कि अब तक की डीसी की सबसे हाइप मूवी है, यानी कि इस मूवी के लिए काफी ज्यादा हाइप बनी हुई थी और डीसी स्टूडियोज ने इसे जिस तरीके से मार्केटिंग किया था जिसके चलते इस मूवी की हाइप और भी बढ़ती जा रही थी। ये मूवी रिलीज होने से पहले भी इसके कई सारे स्क्रीनिंग हो चुके थे लेकिन उसमें भी उन्होंने इसका फाइनल कट नहीं दिखाया था, जिसके चलते जिन्होंने भी स्क्रीनिंग्स अटेंड किए उनके लिए ये मूवी आज आके देखना ये इम्पोर्टेंट बन जाता था। तो ये मूवी से लोगों की काफी ज्यादा एक्सपेक्टेशंस थी और ये मूवी उनको बिल्कुल भी निराश नहीं करती। तो इस वीडियो में हम डीसी की नई मूवी दी फ्लैश के ऊपर बात करने वाले हैं, तो वीडियो एंड तक जरूर देखना। तो अब इस मूवी के हल्के फुल्के सिनॉप्सिस की बात करें तो बैरियल यानी कि हमारा दी फ्लैश अपने स्पीड फोर्स का यूज करके टाइम ट्रेवल कर देता है और उसमें एक छोटी सी चीज बदलने के लिए वो पूरे के पूरे टाइम लाइन की बर्बाद कर देता है, यानी कि वो पूरे के पूरे टाइमलाइन की काफी बुरी तरह से वाट लगा देता है जिसके चलते सभी चीजें बदल देती है, जिसके चलते मैन ऑफ स्टील के टाइमलाइन में जब जनरल जॉर्ड का अटैक होता है तब वहां पे उनको बचाने के लिए हमारा हेनरी कैविल का सुपरमैन ही नहीं रहता। लेकिन क्या बैरी सभी चीजें अपनी फिर से नॉर्मल कर पाएगा, क्या बैरी अपनी टाइमलाइन को फिर से बचा पाएगा और क्या सभी चीजें फिर से नॉर्मल होंगी? वेल, इन सभी चीजों के लिए आपको ये मूवी देखनी पड़ेगी। वेल, अगर तुम नहीं जानते तो बता दूं कि ये मूवी बेसिकली डीसी की कॉमिक्स फ्लैश पॉइंट पे बेस्ड है, लेकिन अब ऐसा नहीं कि उन्होंने पूरे के पूरे ही फ्लैश पॉइंट को उन्होंने इसमें कॉपी किया है, उन्होंने इसमें खुद के कुछ चेंजेस किए हैं जिसके चलते ये पूरी की पूरी कॉमिक से उठाई तो नहीं गई, उसमें कुछ चेंजेस तो है लेकिन इस कहानी को उन्होंने जिस तरीके से अपने डीसी यूनिवर्स में फिट बैठाया है वह देखने में काफी मजा आता है। वेल, अब स्पॉइलर फ्री रिव्यू में तो हम उतनी ज्यादा स्टोरी के बारे में बात नहीं कर पाएंगे क्योंकि थोड़ी कुछ बहुत लिमिटेशंस आ जाती है, लेकिन अगर तुम ये मूवी देखने चाहते हो तो तुम दोनों बैरी से काफी ज्यादा इमोशनली कनेक्ट कर जाते हो, उनको जो डिस्परेशन जो है वो आपको भी फील होता है जो मूवी देखते वक्त काफी ज्यादा मजा देता है। वेल, तो अब एक्टिंग की बात करें तो मूवी में सबसे बड़ा प्लस पॉइंट होगा एज़रा मिलर का। भाई साहब, ये बंदा रियल लाइफ में चाहे कैसा भी हो लेकिन उसने जिस तरीके से इस मूवी में काम किया है वो देखने में काफी तगड़ा लगता है। आई मीन इनको इस मूवी में डबल रोल करना है, दोनों बैरी एलन के ही है लेकिन दोनों के एज ग्रुप में काफी ज्यादा अंतर है, वो दोनों एक दूसरे के पर्सनैलिटी के मामले में दोनों काफी अलग है और उन दोनों पर्सनैलिटी को हमारे सामने रखने का काम एज़रा मिलर काफी सक्सेसफुली कर जाते हैं, जिनके चलते उनकी एक्टिंग को इस मूवी में देखना काफी तगड़ा लग जाता है। उसके बाद इस मूवी में माइकल कीटन के बैटमैन भी है और अब देखो माइकल कीटन के बैटमैन की मूवीज मैंने इसके पहले कभी भी देखी नहीं थी। इस मूवी को अच्छी तरीके से समझने के लिए मैंने उनको दो दिन पहले देख ली थी। हाँ, ये बात तो तय है कि वो एज अ बैटमैन काफी लीजेंडरी काम कर जाते हैं लेकिन इस मूवी के बारे में उनके बैटमैन में हाँ थोड़े बहुत फ्लॉज़ है। लेकिन इसके बाद इस मूवी में हमें साशा क्ले का सुपर गर्ल भी देखने को मिल जाती है और उसको कई सारी मोमेंट्स ऐसे मिल जाती है जिसमें वो शाइन कर जाती है, उनको कई सारी मोमेंट्स ऐसे मिल जाते हैं जो कि काफी ग्लोरियस फील होते हैं और वो भी मूवी भी काफी अच्छी लगती है। लेकिन इस मूवी का VFX और CGI कई कई जगह काफी वीक लग जाता है। आई मीन वो जो एंड की बैटल में वो लोग आते हैं तब इसका CGI काफी ज्यादा नोटिसेबल लगता है और वो काफी ज्यादा नोटिसेबल तब लगता है जब मूवी के एंड में वो स्पीड फोर्स में जब एक्शन नहीं करते तब वहां पे चीजें काफी ज्यादा नोटिसेबल फील होती है। आई मीन ये ट्रेलर के बाद में ही लगने लग रहा था कि इसका CGI थोड़ा वीक लग रहा है लेकिन ऐसा लगता था कि मूवी रिलीज होने में अभी काफी ज्यादा समय है तो उसमें वो चीजें ठीक कर देंगे, लेकिन उन्होंने इस पे कुछ भी एक्शन नहीं लिया जिसके चलते वो स्पीड फोर्स में जो भी चीजें होती है उसमें इसका CGI काफी ज्यादा नोटिसेबल फील होता है। लेकिन ऐसी चीजें होने के बाद भी मूवी में कई कई चीजें काफी ज्यादा ग्लोरीफाई करके हमें दिखती है, जैसे कि मूवी में सभी जो फ्लैश का एक्शन दिखाया गया है वो देखने में काफी मजा आता है और इसके बाद इस मूवी के डायरेक्टर एंडी वुस्टर ने जिस तरीके से दोनों बैटमैन का एक्शन को संभाला है वो देखने में काफी तगड़ा लगता है, फिर चाहे वो बेन एफ्लिक का बैटमैन हो या फिर माइकल कीटन का बैटमैन हो। हाँ, माइकल कीटन के बैटमैन के बारे में कुछ फ्लॉज है उसके हम स्पॉइलर रिव्यू में बात करने वाले हैं, लेकिन जिस तरीके से इस मूवी में इसके एक्शन को संभाला गया है वो देखने में काफी मजा
आता है। वेल, तो अब मूवी के गुड पॉइंट्स की बात करें तो सबसे पहला आता है मूवी की स्टोरी। मूवी की स्टोरी काफी ज्यादा कॉम्पैक्टफुल है और ये सभी चीजों को इग्नोर करके सीधे सीधे अपने स्टोरी में हाथ डालती है, जिसके चलते ये इसकी स्टोरी काफी ज्यादा सस्पेंसफुल बन जाती है। आप हमेशा ऐसे सोचते रहते हो कि हाँ, इसके आगे क्या होगा, इसके आगे क्या होगा, जो कि आपको एज ऑफ सीट पर बैठने के लिए ये स्टोरी आपको विवश कर जाती है। उसके बाद इनकी एक्टिंग, भाई साहब में सभी ने काफी अच्छी एक्टिंग की है, स्पेशली एज़रा मिलर ने। उन्होंने दोनों बैरी एलन को काफी अच्छी तरीके से पोर्ट्रे किया है और उन दोनों में आप आसानी से डिफरेंशिएट कर पाते हो, इतनी अच्छी उन्होंने इसमें एक्टिंग की। भले वो अपनी असल जिंदगी में कैसे भी हो, लेकिन उन्होंने इसमें काफी अच्छी एक्टिंग है। इसके बाद आता है इसका ह्यूमर। इसका ह्यूमर काफी नेक्स्ट लेवल है। मूवी में कई कई जगह जोक्स फील कर दिए गए हैं जो एट द टाइम्स आपको काफी ज्यादा हंसाते हैं और ये बिल्कुल भी फोर्स फील नहीं होते। और इसके बाद अगर तुम डीसी फैन हो तो इस मूवी में आपके लिए काफी ज्यादा सरप्राइजेस है, जिन्हें देखने के बाद आप काफी बेटर फील करते हो, जो आपको काफी ज्यादा मजा देते हैं। और इसके बाद अगर हम इसके नेगेटिव पॉइंट्स की बात करें तो सबसे पहला तो आया इसका वीएफएक्स और सीजीआई। भाई साहब, इसका वीएफएक्स और सीजीआई, जब जब भी वो सीन्स स्क्रीन पे आते हैं तब आप उसमें आसानी से डिफरेंशिएट कर जाते हैं। उसका सीजीआई कई कई जगह काफी ज्यादा नोटिसेबल फील होता है, वरना बाकी की मूवी काफी तगड़ी चलती है। लेकिन मेरा एक सवाल है डीसी फैंस से कि आप भाई साहब कहा हो? मैं जब थिएटर में गया था तब लिटरली थिएटर सुना पड़ा था, और जब ये मूवी एंड हुई तब भी बस थिएटर में बस 5 or 6 ही लोग थे। ये मूवी की इतनी ज्यादा हाइप बन चुकी थी, फिर भी डीसी फैंस अब भी थिएटर्स तक नहीं आ रहे, तो ये एक काफी सोचने वाली बात है। तो ओवरऑल फ्लैश एक काफी तगड़ी मूवी है, जो अगर तुम थिएटर में देखने जाते हो तो तुम्हें ये बिल्कुल भी निराश नहीं करेगी। और अगर तुम डीसी फैन हो तो इस मूवी में आपको मजा देने के लिए काफी भारी भारी चीजें इस मूवी में दिखाई गई है। तो इस मूवी के लिए डीसी फैंस काफी ज्यादा एक्साइटेड है, इस मूवी के लिए डीसी फैंस काफी ज्यादा हाइप थे। लेकिन अब जब ये मूवी रिलीज हो चुकी है तब ना जाने क्यों इसको देखने के लिए लोग थिएटर्स में ही नहीं आ रहे। आई मीन, जब ये मूवी देखने गया था तब लिटरली एक टाइम ऐसा आया था कि अब ये शो कैंसिल ही होने वाला था। हाँ, सब चीजें सही रही, मैंने ये मूवी भी देखी है, जो कि एक टाइम ट्रैवल पे एक अच्छा ना खासा अलग टेक लेती है, जो देखने में काफी मजा तो आता है। तो अगर तुम ये मूवी देखने जाते हो तब तुम बिल्कुल भी निराश नहीं होंगे। वेल, अगर तुमने ये मूवी देखी है तो तुमको कैसी लगी ये मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता देना। और इन्हीं सारी बातों के साथ हम इस वीडियो को यहीं पे रैप अप कर देते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और मैं मिलता हूं आपको अगली वीडियो में, लेकिन तब तक के लिए देखते रहिए वाइल्ड वाइन एससीटीवी।